हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यंग्स मॉड्यूलस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा। अब इस लेक्चर के अंदर जो हमारे पास अब जो लास्ट क्वांटिटी बची है, दैट वन इज पोइजन्स रेशियो। सो ये थियरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पोइजन्स रेशियो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक चीज है जो हमें इस थ्योरी के लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये पॉइजन रेशियो, ये कौन सी क्वांटिटी है और इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से। नाम से पता चलेगा कि ये एक रेशियो है, बट किस क्वांटिटी का रेशियो है ये हम अभी डायग्राम के साथ मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज हमने ये फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट के साथ एक वायर को हमने हैंग किया। अब हमने इस वायर के ऊपर लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया। जैसे लोड अप्लाई करेंगे इसके अंदर हमें एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब कि इसकी स्ट्रेन इंक्रीज होगी जैसे हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया। बट हमने अभी तक ये चीज नहीं सोची कि अगर किसी वायर की हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसके जो लेंथ के परपेंडिकुलर जो पैरामीटर्स है, फॉर एग्जाम्पल रेडियस, डायमीटर, उसकी विड्थ, उसके हाइट के बारे में हमने नहीं सोचा अभी तक। सिंपल सी चीज, ये एक वायर जिसके ऊपर हमने इस वाले डायरेक्शन में और इस वाले डायरेक्शन में एक्सटेंशन क्रिएट किया, मतलब कि हमने यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की। हमने देखा कि वायर की लेंथ इंक्रीज हुई, बट वायर की लेंथ इंक्रीज होगी इस लेंथ के परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर्स हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किए। तो वायर के परपेंडिकुलर, मतलब उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर्स में क्या हमें कोई चेंजेस मिलेगा। हमने इसकी लेंथ अगेन मेजर की, मतलब कि हमने इसको अगेन प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, तब हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। मतलब हमें जो वायर में एक्सटेंशन चाहिए था वो एक्सटेंशन हमें मिल गया कि वायर की लेंथ इंक्रीज हुई। अब इसी डायमेंशन को हम अगर इसके साथ मैच करें तो हमें ये वाला एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि हमने भले इसकी लेंथ इंक्रीज कर ली, बट हमने इसके परपेंडिकुलर वाले जो पैरामीटर्स है उसके अंदर भी चेंजेस देखे। फॉर एग्जांपल पहले इसकी रेडियस थी ये कैपिटल आर, अब जो हमें रेडियस मिलेगी ये ओरिजिनल रेडियस से कम हो जाएगी, मतलब कि डायमीटर में चेंजेस मिला, रेडियस में चेंजेस मिला। सेकेंड थिंग, आप इसकी विड्थ का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लो तो आपको उसकी वेट, इसकी हाइट, मतलब कि लेंथ के परपेंडिकुलर वाले सारे पैरामीटर्स में भी हमें चेंजेस मिलेंगे। तो ये चेंजेस अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किए। और ये जो पैरामीटर्स है जो लेंथ के परपेंडिकुलर होते हैं जिसके अंदर हमें चेंजेस मिलेगा, ये पैरामीटर जिसको हमने नाम दिया है लेटरल स्ट्रेन। सो ये भी स्ट्रेन का ही एक टाइप है, बट इसमें जो हमें चेंज मिलेगा इस लेंथ के परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर्स में मिलेगा। मतलब यहां पे हम स्ट्रेन की डेफिनेशन सेम रखेंगे, चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन, बट यहां पे कौन सा डायमेंशन चेंज होगा तो डेल्टा डी बाई डी डायमीटर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर रेडियस में चेंजेस हो सकते हैं, डेल्टा एच बाई एच ये भी एक चेंज हो सकता है। सो हमने कभी भी इस वाले पैरामीटर के ऊपर नहीं सोचा और हमने सिर्फ लेंथ के लिए जो जितना भी ऑब्जर्वेशन था वो लिया। इसी डायग्राम, इसी वायर के ऊपर अगर मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस क्रिएट किया, मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर क्रिएट किया, तब हमें क्या दिखेगा कि वायर की लेंथ डिक्रीज होगी, बट उसके परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर जिसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब की वायर हमें थोड़ा मोटा दिखेगा, इट मीन्स उसकी रेडियस डायमीटर में हमें इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये वाले पैरामीटर्स हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किए।
तो इसीलिए इस थ्योरी में ये पैरामीटर को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, डेट वन लेटरल स्ट्रेन, लेटरल पैरामीटर्स। सो एक और चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि हमने जैसे लेंथ में इंक्रीमेंट किया, मतलब कि हमने स्ट्रेन क्रिएट किया डेल्टा एल बाई एल, बट इसके अगेंस्ट में जो हमें डेल्टा डी बाई डी मिला, डायमीटर मिला या फिर रेडियस या फिर हाइट की बात करें, तो ये वाले पैरामीटर्स हमारे चेंज हुए, बट वो चेंज कौन सी डायरेक्शन में हुए, तो नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स कि ये डिक्रीज हुए, लेंथ इंक्रीज की बट इसके अगेंस्ट में डायमीटर रेडियस हाइट डिक्रीज हुई। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमने देखा कि वायर की लेंथ डिक्रीज हुई, जैसे लेंथ डिक्रीज होगी बट हमने ये चीज ऑब्जर्व की इसके परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए नेगेटिव की साइन भी हम रखेंगे यहाँ पे। तो अब अल्टीमेटली हम पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन करेंगे, ये बेसिक जो मुझे आपको इनिशियली दिखाना था कि हम थ्योरी स्टार्ट करने से पहले अगर हमने ये ऑब्जर्वेशन लिए होते तो हमें ये लेटरल पैरामीटर्स भी पता होते, बट अभी हमने जैसे जैसे इस फील्ड को हमने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, हमें ये भी एक चेंज दिखा कि हमने ऑलवेज लेंथ के पहले लेंथ के अलोंग ही सारे चेंजेस देखे, लेंथ इंक्रीज हुई, लेंथ डिक्रीज हुई, यही सारे हमने ऑब्जर्वेशन लिए, बट वॉट अबाउट देयर परपेंडिकुलर पैरामीटर्स, परपेंडिकुलर पैरामीटर्स में क्या चेंज हुए, ये हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो इसीलिए इसके बेसिस पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और जिस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज पता चली कि हमने अगर लेंथ में इंक्रीमेंट किया तो इसके अगेंस्ट में जो परपेंडिकुलर वाले जो पैरामीटर्स है वो डिक्रीज होंगे, अगर हमने लेंथ में डिक्रीमेंट किया तब हमें परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर्स में इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब कि दोनों में अपोजिट नेचर दिखेगा हमें, ये चीज हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव की। इसके बाद हमने एक रेशियो क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया पॉइजन्स रेशियो। तो ये पॉइजन्स रेशियो थियोरी का आपको इनिशियल ओवरव्यू। अब इस थियोरी को प्रॉपरली हम डिफाइन करेंगे। सपोज ये हमने यहां पे एक वायर को हैंग किया, हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया, जितना हम लोड अप्लाई करेंगे मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी क्रिएट करेंगे, इसकी लेंथ में हमें चेंजेस मिला और ये जो चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वायर की लेंथ में इतना चेंज मिला, ये जो एक्सटेंशन है इसको हमने नाम दिया डेल्टा एल और ये हमने यहां से दिखा दिया कि इसकी डायमीटर डिक्रीज हुई, रेडियस डिक्रीज हुई, इसकी विड्थ डिक्रीज हुई। तो ये वाले जो पैरामीटर्स है हमने जो डॉटेड लाइन से यहां से दिखाए वो उसके इंटरनल पैरामीटर्स, इट मींस कि उसके लेंथ के परपेंडिकुलर वाले पैरामीटर्स। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की, ये हमें डेल्टा एल मिला, इसके अंदर जो चेंज हुआ डायमीटर के अंदर इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा डी। तो ये एक चेंज मिला और ये एक चेंज मिला, इसी चेंज के अकॉर्डिंग हमने पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन किया, इसको हमने इसको हम नाम दे सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर। यहां पे हमने लोड अप्लाई किया, इसके बेसिस पे हमें डेल्टा एल मिला या डेल्टा डी मिला। सो पॉइजन्स रेशियो म्यू विच इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain। so, ये basic quantity हमें पता चली। अब आपको lateral strain, lateral word का आपको meaning पता हुआ कि lateral का मतलब कि ये वाले parameters जो उसकी length के perpendicular में है, मतलब कि radius, diameter, height, width, तो ये lateral parameters। So, ये एक वर्ड आपको याद रखना है। सो म्यू इज इक्वल टू जो हमें चेंज मिला लेटरल स्ट्रेन, मतलब कि डायमीटर में अगर चेंज मिला तो डेल्टा डी बाई डी अपॉन लॉन्जिट्यूडनल मतलब डेल्टा एल बाई एल, ये हमने रेशियो फाइंड आउट किया। बट इसमें हमने एक चीज और भी ऑब्जर्व की जो मैंने आपको बताई कि अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज होगी तो उसके अगेंस्ट में
लेटरल स्ट्रेन डिक्रीज होगी। अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डिक्रीज होगी तो उसके अगेंस्ट में लेटरल स्ट्रेन इंक्रीज होगी। तो ये भी हमने चेंजेस देखे। अब इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें मैथमेटिकली, तो डेल्टा डी बाई डी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये म्यू डेल्टा एल बाई एल, और हमने यहां पे नेगेटिव साइन अप्लाई की, और ये नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करेगी, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आर ऑफ अपोजिट सेंस। सो ये हमने नेगेटिव साइन डिफाइन कर ली। अब इतना डिटेलिंग हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मैं आपको इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि लेंथ में चेंज मिला और उसी के साथ उसके डायमीटर के अंदर भी चेंजेस मिला। तो ये नेगेटिव साइन, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसी चीज को और भी प्रिसाइसली हम देखते रेडियस के साथ, तो रेडियस के साथ क्या हो जाएगा, ये भी एक रिलेशन मिल सकता है, डेल्टा आर बाई आर विच इज इक्वल टू माइनस न्यू डेल्टा एल बाई एल, इन द सेम वे डेल्टा एच बाई एच विच इज इक्वल टू माइनस न्यू डेल्टा एल बाई एल। ये सारे फॉर्मूलाज हम याद रख सकते हैं बिकॉज ये सारे हमारे लेटरल पैरामीटर्स है। अब बात करें इसकी एसआई यूनिट की, पॉइजन रेशियो की, तो म्यू इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन, ये इट इज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन। सो यहां पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला एम नॉट एल नॉट टी नॉट। सो ये बेसिक चीज है पॉइजन रेशियो के लिए। तो हमने यहां पे कौन कौन सी चीजें याद रखी कि जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि लेंथ में चेंज मिला हमें, लेंथ के साथ उसके परपेंडिकुलर वाले जो पैरामीटर्स है उसको भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर भी हमें चेंजेस मिलेगा, और ये चेंज अपोजिट मिलेगा। अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो लेटरल पैरामीटर डिक्रीज होंगे, अगर लेंथ डिक्रीज हुई तो लेटरल पैरामीटर्स इंक्रीज होंगे। और इसी के बेस पे हमने रेशियो डिफाइन किया, पॉइजन रेशियो, जिसके अंदर हमने रेशियो लिया लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और इस चीज को हमने डिफाइन किया। और यहाँ पे माइनस की साइन क्यों अप्लाई की, बिकॉज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर के हैं, सो हमने यहाँ पे माइनस की साइन से भी इसको जस्टिफाई किया। तो ये हमारी एक लास्ट थियरी जिसके अंदर हमें फॉर्मूला डिराइव करना था पॉइजन रेशियो। अब जो थियरी बाकी है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं, बट इससे पहले इससे एक क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम के अंदर जहां पे हमें पॉइजन रेशियो के लिए कुछ वैल्यू प्रूव करनी होगी, तो ये एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं अभी। इससे पहले आप इसको अगर कॉपी करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ये एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सो हमने पॉइजन रेशियो अभी डिफाइन किया, पॉइजन रेशियो के साथ हमने एक नया टर्म मतलब इसको डिफाइन करने के लिए लेटरल डायमेंशन भी हमने देखे। अब इसी पॉइजन रेशियो के कंसेप्ट के ऊपर आपको मे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर एन एक्सटर्नल स्ट्रेस। हमें पॉइजन रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है उस मटेरियल के लिए जिसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तब भी उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, उस कंडीशन में हमें उसका पॉइजन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ वायर वी विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये एक इक्वेशन बनी हमारी, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो हम यहां पे इक्वेशन वन अप्लाई कर दिया इसको, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ साइड। अब हमने यहां पे इक्वेशन
का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये मल्टीप्लीकेशन रूल से हम अप्लाई करेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन रूल याद हो तो हमने डिफरेंशिएशन किया था डी बाई डी वी यू इंटू वी का, जिसको हम बोलते हैं यूवी रूल। सो जिस इक्वेशन के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होंगे और उसका डिफरेंशिएशन करना है तब हम कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा हमारा रूल होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल होगा। और रूल कैसे अप्लाई करना है, u एंड v दो वेरिएबल है, u फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकेंड टर्म हमने एज इट इज रखा तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करो, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। सेम रूल हमने यहां पर अप्लाई किया, v वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, मतलब कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसको हमने लिखा LHS पे जीरो विच इज इक्वल टू पाई, कांस्टेंट है। अब हमने आर स्क्वायर इंटू एल के लिए रूल अप्लाई किया तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इसी को हमने मान लिया यू वी रूल, यू इंटू वी। तो यू के लिए अगर हम लिखे तो यू एज इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल, प्लस सेकेंड में एल एज इट इज पाई को हमने यहां पे रखा, आर स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन देखा टू आर इंटू डी आर, चेन रूल क्या, चेन रूल भी हमने यहां पे अप्लाई कर लिया। अब दोनों इक्वेशन से कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, तो पाई कांस्टेंट, एक आर कांस्टेंट, यहां से भी पाई, यहां से भी आर, पाई आर को हमने जीरो वाली साइड लेके आया, मतलब ये टर्म हमारा कांस्टेंट और ये जीरो हो गया यहां से कॉमन टर्म, सो जीरो इज इक्वल टू बचेगा क्या यहां पे आर डी एल प्लस टू एल डी आर, ये हमारा फाइनल टर्म बचेगा। सो आर डी एल इज इक्वल टू माइनस टू एल डी आर, ये एक टर्म, डी एल बाई एल विच इज इक्वल टू माइनस टू डी आर बाई आर, ये हमें एक फाइनल इक्वेशन मिली। अब हमने जो पॉइजन रेशियो जो हमने स्टडी किया, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इट मीन्स कि डेल्टा आर बाई आर विच इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल, ये हमने रूल स्टडी किया था अभी। इसी के बेसिस पर हम यहां पे अगर चेंजेस करें तो डेल्टा आर बाई आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल। सो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो डी एल बाई एल इज इक्वल टू माइनस टू डी आर बाई आर, डी आर मतलब कि स्मॉल चेंज है इसके अंदर विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहां पे लिखेंगे माइनस म्यू डी एल बाई एल, यहां से ये वाला टर्म कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सो म्यू इज इक्वल टू वन बाई टू विच इज इक्वल टू 0.5। तो किसी भी एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी भी वायर के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो 0.5 से कम होगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.5, जहां पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। अगर वॉल्यूम थोड़ा चेंज भी होगा तो उस चेंज के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये भी हम लोग इसी लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन पॉइजन रेशियो एंड शो दैट पॉइजन रेशियो इज लेस देन 0.5, कैसे प्रूव करेंगे इसको। सो हमने किसी एक मटेरियल का एग्जांपल लिया, किसी एक वायर का एग्जांपल लिया, सपोज अ वायर हैज वॉल्यूम V is equal to pi r square into L. हमने एक वायर का वॉल्यूम कंसीडर कर लिया pi r square into L. अब हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया dV which is equal to dV by V
पाई हमारा कांस्टेंट, आर स्क्वायर का क्या होगा 2 dr/r प्लस dl/l। ये हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर जब फ्रैक्शनल चेंज हमने फाइंड आउट किया था, ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कितना चेंज हुआ, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा था। सो अगर हम इसको अपने इस चैप्टर के टर्म्स में लिखे तो वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, डेल्टा वी बाई वी विच इज इक्वल टू पाई तो कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 dr/r। एरर वाले चैप्टर में हमने ये स्टेप देखे थे डेल्टा एल बाई एल। तो आपको ये टर्म अगर याद नहीं रखना हो तो इस चैप्टर के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। पिछले एग्जांपल के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमने चेंज जीरो यहाँ पे लिखा था, इसलिए ये वाला टर्म जीरो हो गया था। यहाँ पे हमने ये वाला टर्म अप्लाई किया। अब इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो डेल्टा वी बाई वी विच इज इक्वल टू, अब जो पोइजन रेशियो हमारा डेल्टा आर बाई आर विच इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा आर बाई आर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल। सो 2 माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल, यहां से कॉमन वैल्यू कौन सी होगी, सो डेल्टा एल बाई एल ये हमारी कॉमन वैल्यू 1 - 2 μ डेल्टा वी बाई वी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला हमें। इसी के अंदर अगर देखें डेल्टा एल बाई एल तो ये हमारी स्ट्रेन होगी, इट मींस डेल्टा वी बाई वी विच इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू 1 - 2 μ। सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू 1 - 2 μ इफ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, इफ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा होगा तो इस मीन्स कि ये टर्म हमारा पॉजिटिव होगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव हुआ इट मीन्स कि म्यू की वैल्यू 0.5 मतलब 2 मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 0.5 अगर हमने रखा यहाँ पे तो 0.5 इंटू 2 मतलब 1 - 1 मीन्स 0। तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा 0। बट हमने कंडीशन कौन सी रखी, इफ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0 तब म्यू की वैल्यू 0.5 से लेस ही होनी चाहिए। अगर 0.5 से इंक्रीज भी हुई तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये टर्म को जस्टिफाई नहीं करेगा। सो इफ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0 देन म्यू लेस देन 0.5 ये कंडीशन होनी चाहिए। लेस और इक्वल भी नहीं लिख सकते, अगर इक्वल लिखा तो 2 × 0.5 इट मींस 1 - 1 इट मींस 0, तो ये डेल्टा वी बाई वी 0 हो जाएगा। बट यहां पे हमने कंडीशन कौन सी अप्लाई की, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0 तभी इस कंडीशन के लिए म्यू लेस देन 0.5 होना चाहिए, ये कंडीशन को हमने जस्टिफाई की। इसी फॉर्मूला का और एक टर्म हमें एग्जाम में आ सकता है, आपको एंट्रेंस के लिए भी यूजफुल होगा। डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल 1 - 2 μ, यहां से लेंथ कैंसिल। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इनटू डेल्टा एल 1 - 2 μ, ये भी एक इक्वेशन बनेगी, ये भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो इतने बेसिक टर्म्स हमें पॉइजन रेशियो के लिए याद रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के बेसिस पे, जो हमने ग्राफ प्रीवियसली देखा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, उसके बेसिस पे हमें एक्सरसाइज वाले पार्ट में ट्रू एंड फॉल्स और ग्राफ के बेसिस पे हमें मटेरियल का नेचर प्रूव करना है, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें दिए, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज वाले पार्ट से। और लास्ट जो पार्ट होगा हमारा आई थिंक एप्लीकेशन पार्ट की, बस बाकी सारी थियोरी सारे न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए इस चैप्टर से और कॉम्पिटिटिव लेवल के हमारे एमसीक्यूज। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको ये यूजफुल होगा आपकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी।